हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम हो गया है, एमओ के साथ हो गए व्लॉग की स्टार्टिंग। गुड मॉर्निंग बोल दो। ये हमेशा ही जमाई लेता रहता है। अब आप सोचोगे इसको नींद आ रही है, इसको सुला दो। बच्चे ऐसे ही करते हैं, थोड़ी देर जगते हैं, थोड़ी देर सोते हैं, पर ये इतना सोने का नहीं है जितना ये दिख रहा है। ये बस जमाई ले रहा है, ये सोएगा नहीं। हाँ जी, नाई नाई करेंगे। नमस्ते कर दो सबको, नमस्ते करो। ओह डांस करके दिखाएगा भाई मेरे बेटा तो। नमस्ते करो सबको, नमस्ते कर दो। करना बेटा करना, देखो ऐसे करो, ऐसे करो करो। बच्चे वही है ना, जब बोल दो तब नहीं करते। आज का मौसम ना इतना सुहावना मौसम है, यहाँ का इतना मस्त मौसम हो रखा है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखो आप, मतलब जो अपने वहाँ पे सावन में टाइम होता है ना, वैसा सा कुछ मौसम हो रखा है यहाँ पे। बाल इतने ऑयली हो जाते हैं यार बीच पे जाके ना, ऐसा लगता है कि आज सिर धुला और आज अगले दिन ही धुल लो, बहुत ऑयली ऑयली सा हो जाता है। और ये पहुंच चुके पानी में नहाने के लिए। हाँ जी, हैप्पी होली सभी को। हैप्पी होली सभी को, हैप्पी होली। बाकी ना एक बात बताऊं आप लोगों को, मौसम आज कती जबरदस्त नान का है, कती मतलब जिसने नुका करा ना, कती जबरदस्त वाला नान का। ये देख लो, धूप नहीं है, आए हाय कती बढ़िया ठंडा मौसम हो रहा है कती। और वो देखो हमारे नेबर आ गए हैं। और ये देखो छोटी सी गुड़िया कितनी क्यूट लग रही है, हाय हाय। इसकी बहन नहीं आई आज, खाना रेडी हो गया है। पेठे की सब्जी, रोटी, दही और एम एम बेटी। हाँ, खाने के टाइम टूट जाते हैं। अभी सो के आए तो थोड़ा सीरियस हो रखा है ये। ऐसी बात है क्या? कपड़े वगैरह डाल दिए थे मशीन में, ये यहाँ सुखा दिए हैं और अब इसमें भी डाल दिए। और तो मैंने ना एम्मी के साथ एक वीडियो बनानी थी। एमू आना एक बार आना, तो एम्मी को ऐसे लिटाया और मैं ना ये ऐसे उठ के एकदम से ऐसे देखूं, और एम्मी इतना हंसे ऐसे एकदम से। कितने हंसे आप, हैं कितने हंसी आई आपको। नहा ली थी और ये सुंदर सा कोट शर्ट डाला, बहुत बहुत प्यारा, मतलब अब तक का ना मेरा फेवरेट है। इसकी फुल लुक दिखाती हूँ मैं आपको। एमो फुल लुक दिखाओ, कैमरा पकड़ो एक बार, कैमरा पकड़ो बेटा, फुल लुक दिखाओ। लुट गया। ये देखो मैं कह रही थी ना, बहुत ही सुंदर लुक है इसकी, और अब तक का मेरा फेवरेट लगा मुझे। इतने सारे मंगवाए कोट सेट, बट ये सबसे कलर इसका बहुत अलग है। इसमें बहुत अलग दिख रहा है, वैसे इसका कलर बहुत अलग है, बहुत ही ज्यादा प्यारा है। और एक चीज़ तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई, आप लोगों को इतने सारे मैसेज आ रहे थे। भाई मैं लास्ट भी कुछ व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ, फिर मैं शेयर कर देती हूँ। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है ना, चाहे वो गृहस्थी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, डाइवोर्स प्रॉब्लम है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस आ गया है, या किसी भी चीज़ में ना, जैसे हम पैसा जोड़ते हैं, कई बार ना पैसा नहीं जुड़ता है, ऐसे निकलता रहता है, घर बैठे आपके दुश्मन बन गए हैं ना, आपकी प्रोग्रेस से चिढ़ रहे हैं, या कुछ भी प्रॉब्लम है यार घर में, हस्बैंड वाइफ में अनबन है, तो मैं नीचे पंडित विश्वनाथ जी का नंबर डाल दूँ, जेन्युइन है, बहुत सारे बंदों को सोल्यूशन मिला है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल आपको नीचे मिल जाएगी। मैं करती हूँ फटाफट से कपड़े चेंज, मित्तू गए किसी काम से बाहर, वो आएंगे भी थोड़ी देर तक, और उसके बाद फिर हम जाएंगे बाहर। और सबको हैप्पी होली। दुद्दू की कटोरी, दुद्दू में पतासा, एमू करे तमाशा। सो जाओ, लोरी सुना लो, चुपचाप से सो जाओ। मम्मा का लड्डू बेटा, हाथी राजा। ये देखो एमी हो गया त्याल, धोई धोई कल के त्याल हो गया, धोई धोई कल के त्याल हो गया मेरी बेटी। ओए इधर दिखा, हेलो कर सबको। हाँ ये आपकी शर्ट है, पर ये अभी नहीं पहननी, ओके आपकी शर्ट है ये। पापा आए मुँह बोली, पापा आए ले, इसकी एक्साइट हो रही थी। अच्छा इधर लाइट चल रही है ना। चले देखो
ये जाने लग रही है ना ये फॉरेनर। सामने ये रोड रोलर खड़ा हुआ है, ये देख लो, इसके साथ में खड़ी होके फोटो लेके गई है, चाड़े ही कर दिए भाई। इनको इतनी अच्छी लगी ये चीज, मतलब हमने मेरे ख्याल से कभी ऐसा नहीं किया होगा कि ऐसे रोड रोलर के साथ खड़े होके फोटो ली, और वो ना इसके साथ में खड़ी होके फोटो लेके गई है। बताना चाह रही थी कि आज होली है और एमी की ना पहली होली है, और मैंने ना फास्ट नहीं रखा। अब आप लोग पूछोगे कि उसका रीज़न क्या रहा, फास्ट क्यों नहीं रखा, तो वैसे तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को तो पता ही चल गया होगा, या जिसको पता नहीं चला तो मैं बता दूं कि कितने दिन पहले, 15 दिन हो गए शायद। तो जो मेरी बड़ी ननद है ना, कज़न सिस्टर, सिस्टर इन लॉ गुडल दीदी, आप लोगों ने देखा भी होगा ब्लॉग में, तो उनके जो ससुर जी है ना, काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा सीरियस थे, उनको कैंसर था, और कैंसर की भी फोर्थ स्टेज पे थे, थर्ड पे कितना होता है, तो बहुत सीरियस थे मतलब, और अभी ना इतना एज नहीं हुई थी उनकी, तो वो चले गए, वो नहीं रहे इस दुनिया में ना। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि अच्छा यहाँ आए हुए वो आए हुए, तो भाई यहाँ पे तो हम ना बहुत पहले से आए हुए थे, मतलब हम और किसी काम की वजह से आए हुए हैं। मेरा मानना ये तो है, हम व्लॉगिंग लाइफ कर रहे हैं, हम अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं, पर डजंट मीन ना कि अब जो आदमी किसी के घर में कोई एक्सपायर हो जाता है, और मान लो वो आदमी जॉब करता है, चाहे वो पुलिस में और चाहे वो फौज में, अपनी ड्यूटी तो निभाता है ना, तो सेम चीज यार हमारी भी, हम अपने डेली लाइफ शेयर कर रहे हैं, तो इसलिए हमने, और यहाँ पे जिस पर्पज से आए थे, मेन चीज तो वो भी थी, हम बंद नहीं कर सकते थे, वो था हमारा पहले से कि हमने डेली ही डालनी है वो चीज, इसलिए तो आई थिंक आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। लाइफ का ना कुछ नहीं कह सकते, अचानक से उनको भी पहले नहीं पता चला, अगर पहले पता चल जाता ना तो शायद इलाज करवा लेते, उनको पहले पता नहीं चला कि ऐसी कोई बीमारी है, और पता चला जब बात ना हाथ से चलेगी, बहुत कोशिश करी, हर जगह घूमे, नहीं हुआ। पर छोटे छोटे सब्सक्राइबर मिले हैं, इतनी देर से हाय हाय बोल रहे थे। अभी आएंगे। करते हैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और सबको अगेन हैप्पी होली। मेरे को तो होली का फेस्टिवल बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, आई नो सबको ही पसंद होगा, तो सबको होली एडवांस में नहीं शायद मना चुके होंगे अब तक, तो जब ये व्लॉग आएगा तो आप लोगों ने कैसे कैसे सेलिब्रेट करी कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पर तो एक तो कोलड़े वाली होली होती है, तो ज़्यादातर हमारी साइड तो कोलड़े वाली खेलते हैं, आप लोगों के में कैसी कैसी वाली खेलते हैं वो बताना, और आप लोगों का फेवरेट फेस्टिवल क्या है वो भी ज़रूर बताना कमेंट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।